हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और घंटी का बटन तो ज़रूर ही दबाना है आपने। तो वो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, उससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप महफूज हैं, आप खुश हैं, आप अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी यादें जो है वो बना रहे हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो चिया सीड है। ये देखेंगे, चिया सीड है हमारे यहाँ। ये एक बड़े इस तरह के बॉक्सेस में, डिब्बे में, पैकिंग में देखने में मिल जाते हैं। ये छोटे छोटे सीड हैं, कहने को तो बिल्कुल ही आपने चिया सीड तो देखे ही होंगे। करीब करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटे 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 से दाने हैं, दाने कहने, लेकिन ये जो छोटे छोटे से दाने जो हैं, बीज कह लें, कुछ भी कह लें, ये गुणों से भरे हुए हैं। इसमें इतने ज़्यादा गुण हैं कि जिसका कोई हाल नहीं। इसमें हर किस्म के विटामिंस हैं, मिनरल्स हैं। ये फूल जाते हैं तो पेट में जाके ये बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। जैसे अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो सुबह इसको पीते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी, कुछ लोग रात को पीते हैं, कुछ लोग सुबह पीते हैं। इसको बहुत सारे तरीक़ों से आगे चल के बताती हूँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो जिनको हार्ट प्रॉब्लम है तो उनका जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको ख़त्म करने में मदद करता है। अब ये बहुत मेडिकल लैंग्वेज हो गई, अभी हम सादा लफ्ज़ों में बात करेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप देखते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि सादा सादा लफ्ज़ों में बात की जाए, ताकि हर कोई इस बात को समझ सके। तो चिया सीड है, इसको तुख मुलंगा भी कहते हैं, पर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये वाकई तुख मुलंगा है या नहीं, पर ये तुख मुलंगे की तरह ही जो है फूल के उसकी तरह ही हो जाता है। अब आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बहुत लोग तो, ये रिसर्च तो ये कहती है कि अगर इसको खाली पेट सुबह पिया जाए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको रात को सोने से पहले पीने में भी कोई कबाहत नहीं है। आप इसको रात को भी पी सकते हैं। कि छोटे छोटे दाने हैं, इसको पानी में आप डालेंगे तो आप ये फूल जाते हैं, और जब ये पेट में जाके फूल जाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा मसला वज़न कम करना, तो काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है और वो भूख नहीं लगती, लोग ये कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे बढ़ के कोलेस्ट्रॉल, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं, बहुत ज़्यादा। ये छोटी सी चीज़, छोटे छोटे से दाने हैं, लेकिन इनमें इतने गुण हैं कि मैं अगर गिनने बैठूँ तो बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के ये बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसको अपने खुराक में ज़रूर इस्तेमाल करें। अब चलते चलते ये बताती चलूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, ये आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये देखे रात को भगो के रखे हुए हैं पानी में, एक छोटा ग्लास ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं। सुबह सुबह बहुत भरा ग्लास पिया भी नहीं जाता, उसमें एक यही एक चम्मच डाला था, और उसके अंदर भी एक चम्मच आती है कुप्पी सी, वो भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से फूल गए हैं। आप इसको योगर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें, इसको योगर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अपने ब्रेकफास्ट के लिए, इसको आप योगर्ट में भी रात को मिक्स करके रख सकते हैं। आप एक कप लें, उसमें 2-3 चम्मच योगर्ट के डालें, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज डालें, थोड़ी सी ब्लूबेरीज डालें, कितना मज़े की चीज़ बनेगी। और उसमें चिया सीड डाल दें, रात को भगो, रात को आप रख दें, सुबह आप काम पे जाते हुए या नाश्ते में सुबह आप उसको साथ ले जा सकते हैं। आपका ब्रेकफास्ट जो है, हेल्थी ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी है। बहुत सारे लोग ओट्स जो होते हैं, दलिया जिसे कहते हैं, उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। मुझे ओट्स पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ओट्स यहाँ रखे ही नहीं है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, उस मकसद तो ये है कि चिया सीड आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको खाने चाहिए। तो आप किसी चीज़ में भी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, दही मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं दही में भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं चिया सीड को जो पानी मैंने भिगो के रखा हुआ, उसमें एक पीस मैं थोड़ा सा ये लीमू काट के डालूंगी, निचोड़ दूंगी उसमें। और ये शहद है, हनी है, ये बहुत ही प्योर शहद मिलता है। आपके पास कोई भी शहद हो आप उसमें आधा चम्मच डाल सकते हैं, पर मुझे शहद ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही डालती हूँ। और लीमू मुझे पसंद है, खट्टी मट्टी चीज़ें। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको पता है मुझे चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो लीमू, और ये बहुत देर तक, 11, 12, 1 बजे तक जो है वो आपको भूख नहीं लगने देता, बड़ा पेट भरा रहता है। उसके अलावा
चिया सीड जो हैं आप इनको और भी तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको भगो के भी खा सकते हैं, आप इनको वैसे भी खा सकते हैं। मैं अक्सर स्मूदीज़ में अपने जूस स्मूदीज़ बनाती हूँ, किसी दिन फिर से बनाऊंगी स्मूदी। सर्दियों में किस तरह की मैं स्मूदी बनाती हूँ तो उसमें भी जब बन जाता है तो फिर मैं उसको ये भी डाल लेती हूँ, तो ये उसमें जाके फूल जाते हैं तो ये, और उसमें भी बहुत अच्छे लगते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन ये है कि आप अपनी खुराक में चिया सीड का इस्तेमाल जो है वो शामिल करें, ये बहुत हेल्थी है, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, ये कोई बहुत महंगे नहीं है। ये इतना बड़ा डिब्बा जो है ये हमारे यहाँ 4-5, मेरा ख्याल है इतने का ही है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो चिया सीड है वो कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी किसी की यूट्यूब पे इंडिया से, तो वो उन्होंने आटे में भी डाले हुए थे। आप आटे में भी गूंद सकते हैं, अगर आपको ये फूले हुए पसंद नहीं है आप आटे में गूंद के भी खा सकते हैं। आप इनके और बाकी चीज़ों को मिला के आप इसका बिस्किट्स भी बना के रख सकते हैं, जैसे वो पिनिया जिसे कहते हैं, वो पिनिया भी बना सकते हैं, उसमें भी चिया सीड आप शामिल कर सकते। किसी भी तरीके से आप चिया सीड जो है अगर आप अपने खुराक में शामिल करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, इसके बहुत 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 ज़्यादा फायदे हैं। तो वो कोई, ये महंगा भी नहीं है और कोई मुश्किल काम भी नहीं है। कोई हांडियाँ नहीं पकानी, कोई प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना, कोई मेरी तरह बातों की बिरयानी नहीं बनानी। एक चम्मच किसी भी चीज़ में डालना है, आप खुशक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना जो सीरियल आप खाते हैं उसमें आप शामिल कर सकते हैं। आप अंडा पराठा, मेरा बेटा बहुत शौक से खाता था अंडा पराठा, तो उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। बेटे से बात याद आई, जब वो हमारे साथ थे तो वो US आर्मी में ही जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो उनका वज़न जो है वो 13 पाउंड ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा कि अपना वज़न कम करके आओ, 10 ही कर लो तो हम आपको ले लेंगे। तो वो वज़न, उस दिनों में वज़न भी कम कर रहे थे और फ्लाइंग की ट्रेनिंग भी कर रहे थे साथ साथ। उन्होंने कहा था ये दोनों कर लो तो आप एज ए ऑफिसर जाएंगे, तो उसको भी देते थे। उसको अंडा पराठा बहुत पसंद था, अल्लाह, वज़न कम करने में पराठा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज उन दिनों में करते थे तो मैं उसके अंडे के ऊपर मैं उसको इस तरह भी दे देती थी, सुबह पानी में भी उसको मैं पीने के लिए दे देती थी, तो वो पी लेता था, तो बहुत जल्दी से वज़न कम हो रहा था उसका। तो दाऊद के बगैर तो वीडियो वीडियो ही नहीं होती ना। तो फिर ये जो है वज़न कम करने में, जिनका वज़न का मसला है, यकीन कीजिए आप ये इस्तेमाल करके देखें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसमें मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, जो कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा है, जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनकी हड्डियाँ चटकती हैं अगर वो अपनी खुराक में इसमें, और सबसे अपनी खुराक में इसको इस्तेमाल करें तो आपकी बहुत ज़्यादा कैल्शियम की जो है वो कमी भी इसमें, ये छोटे से सीड हैं लेकिन इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा, और जो तेल होते हैं सेसमी सीड, किसी दिन उस पर भी बात करेंगे, उसमें भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये बेशक कम क्वांटिटी में, कम मिकदार में, लेकिन आपकी इसको जो कमियां हैं हमारे जिस्म की उसको पूरा करने में मदद देता है। और ये कोई बहुत महंगा नहीं है, कोई आपने बाहर जाके बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी, कोई इसको पकाना नहीं है, एक चम्मच पानी में डालना है, या अपनी किसी भी खुराक में आप डाल के इसको खा सकते हैं। दाल खाते हैं तो दाल में डाल लें, आप किसी भी चीज़ में डाल के इसको खा सकते हैं। कितनी सारी रेसिपियाँ मैंने आपको बता दी है, लेकिन आप अपनी खुराक में चिया सीड जरूर इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, किसी ने अच्छा बीज बो दिया तो उसको पानी तो आप दे ही सकते हैं, और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, ऊपर वाला सब करने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।